हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज हम एक स्ट्रेटजी देखेंगे जिसे यूज़ करके हम प्रॉफिट ले सकते हैं कोई भी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में या फिर फॉरेक्स मार्केट में। तो स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल है गाइज। यहाँ पर हमें 3 इंडिकेटर्स लेने हैं। आप यहाँ पर नोटपैड में देख सकते हो, 3 मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रेटजी है जिसकी एक्यूरेसी 75% है। और यहाँ पर आपको एक 200 मूविंग एवरेज लेना है, 50 मूविंग एवरेज एंड 21 मूविंग एवरेज लेना है। टाइम फ्रेम आपका 5 मिनट होगा और इसी में हमें यहाँ पर देखना है कि कैसे हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पर इंडिकेटर ले लेते हैं। तो मैं इंडिकेटर लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ से जाने के बाद मैं यहाँ पर मूविंग एवरेज टाइप करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये अपना मूविंग एवरेज आ चुका है। हम यहाँ पर 3 मूविंग एवरेज ले लेते हैं। देन उसके बाद हम यहाँ पर इसका कलर और लेंथ को चेंज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसे 200 ले लेते हैं। इसका कलर अपन रेड रख लेंगे। थिकनेस को थोड़ी से बढ़ा लेंगे ताकि मार्केट में थोड़ा अच्छे से दिखाई पड़े। इसके बाद यहाँ पर हम इसे 50 कर लेते हैं। इसका कलर हम यहाँ पर रख लेंगे ब्लू। थिकनेस को थोड़ी सी बढ़ा लेंगे और यहाँ पर ओके। देन 21 मूविंग एवरेज यहाँ पर गए 21 मूविंग एवरेज यहाँ पर ले लिया। इसका कलर हम कर लेंगे थोड़ा सा डार्क येलो रख लेंगे। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमारा मूविंग एवरेज लग चुका है। और अब यहाँ पर बात करते हैं कि कंडीशन क्या है, कि कैसे इसे यूज़ करना है, कैसे हम यहाँ पर प्रॉफिट ले सकते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट करना है, पेशेंस के साथ यहाँ पर ट्रेड लेना है, जल्दबाजी नहीं करना है, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम है। मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। और यहाँ पर मैंने यूरो यूएसडी का चार्ट लिया है। आप इसे किसी में भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी चार्ट ले सकते हो, ये अच्छा काम करती है। तो अब देखते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड पता करना है कि मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड पता करने के लिए आपके पास 200 मूविंग एवरेज रहेगा। अगर मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर होगी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला अपना 200 मूविंग एवरेज है, अगर मार्केट इसके ऊपर रहोगी तो हमारा यहाँ पर अप ट्रेंड होगा। और अप ट्रेंड में हमेशा लॉन्ग करने की सोचना है हमें, बाई करने की सोचना है, शॉर्ट करने की नहीं देखना है। और यहाँ पर हमें देखना है जब भी 50 मूविंग एवरेज को 21 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी तो हमें यहाँ पर लॉन्ग करना है, बाई करना है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट में यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, 21 मूविंग एवरेज 50 को ऊपर की तरफ क्रॉस की और यहाँ से मार्केट कितना अच्छा ऊपर की तरफ गई है। तो इस तरह से आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि मार्केट ट्रेंड में हो तभी आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। चौपी अगर मार्केट चल रही हो, साइडवेज में चल रही हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा अवॉइड करें, ट्रेड नहीं लें। तो उसी तरह से एक जगह और हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अभी आप देख सकते हो मार्केट 200 मूविंग एवरेज के ऊपर थी, 21.50 को यहाँ पर ऊपर की तरफ क्रॉस किया और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई। यहाँ पर आप लॉन्ग कर सकते थे। तो गाइस, यहाँ पर अगर शॉर्ट करने की बात करें तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी 200 मूविंग एवरेज को मार्केट नीचे की तरफ रहेगी, मतलब डाउन ट्रेंड में रहेगी, और 21 मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगी, तो आपको यहाँ पर शॉर्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये मार्केट 200 मूविंग एवरेज के नीचे में चल रही थी, 50 मूविंग एवरेज को 21 मूविंग एवरेज ने क्रॉस किया और मार्केट ने यहाँ पर सीधा डाउन ट्रेंड में गई है। और यहाँ पर एक और बेनिफिट हमें ये होता है 50 मूविंग एवरेज का, कि जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज के नीचे होती है तो इसका जो मूविंग एवरेज जो होता है, 50 मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट नीचे की तरफ थी, यहाँ से इसे रेजिस्टेंस की तरह वो किया, रिएक्ट किया और यहाँ से मार्केट सीधा नीचे की तरफ डाउन हो गई। उसी तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। तो जब भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे मार्केट होगी तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो आप यहाँ पर शॉर्ट करना। और एक और जगह हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो गाइस, जैसे हम यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ क्रॉस किया और 21 मूविंग एवरेज 50 के ऊपर थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना अच्छा मार्केट में पंप आया, लॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखने को मिली। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो 200 मूविंग एवरेज को मार्केट ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पर 50
को 221 ने नीचे की तरफ क्रॉस किया, यहाँ पर कितना अच्छा मार्केट नीचे की तरफ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो और अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमें स्टॉप लॉस क्या लेना है और टेक प्रॉफिट क्या रखना है। तो गाइस सिंपल है, जब भी आप यहाँ पर बाई करेंगे, जब भी आप यहाँ पर लॉन्ग करेंगे, तो आपको अपना स्टॉप लॉस 50 मूविंग एवरेज के नीचे रखना है या फिर पिछले सपोर्ट के नीचे रखना है, और आपका जो टेक प्रॉफिट होगा 1:2 का होगा। 1:2 मतलब जब भी अगर आप 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रख रहे हैं तो आपका 100 पिप्स का टेक प्रॉफिट होना चाहिए, तभी आप यहां पर ट्रेड लें। और उसी तरह से अगर आप शॉर्ट करते हैं तो आपको 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखना है या फिर पिछले सपोर्ट के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखना है, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहां पर आपको लेके चलना है। तो गाइस इस तरह से आप यहां पर ट्रेड ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए ट्रेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोज़ के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय।